हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीए सेमेस्टर 4 पेपर 2 से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और ये सारे एमसीक्यू सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो कि सोशोलॉजी से रिलेट करते हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, आज जिस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। ठीक है, अल्प विकास तथा निर्भरता, और इसमें क्या क्या होगा, सेंट्रल पेरिफेरी, अनइवन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, परिधि केंद्र, असमान विकास, वैश्वीकरण। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है, जब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियोस आएंगे तो उनकी अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि ये डेफिनेशन अल्प विकास की किसने दी है, कि अल्प विकास वह दशा है जिसमें जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की तुलना में जो राष्ट्रीय पूंजी होती है वो बहुत कम होती है। मतलब जनसंख्या की और सामाजिक, उसकी जो भी सामाजिक और आर्थिक है ना आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, उसकी राष्ट्रीय पूंजी बहुत कम होती है। तो ऐसा जो अल्प विकास की परिभाषा दी है वो है आपके रेनगर नर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अल्प विकसित राष्ट्रों को नरम राष्ट्र किसने संबोधित किया है? तो इसका सही जवाब है मिडल। ठीक है, नरम राष्ट्र कहा है जो भी अल्प विकसित हैं राष्ट्र। अल्प विकसित मतलब अंडर डेवलपमेंट इंग्लिश में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर के आधार पर 2021 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो सकती है? तो 137 करोड़ अनुमान लगाया गया था 2021 के लिए, अब तो 2022 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? अब यहाँ से धीरे धीरे आपको अल्प विकसित का कॉन्सेप्ट भी समझते चलना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप ही समझ आ जाएगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन आ गया है कि अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता क्या है, प्रौद्योगिक पिछड़ापन, जनसंख्या की अधिकता, निर्धनता और बेरोजगारी, या इनमें से सभी? एक्चुअली कोई भी राष्ट्र है वो अंडर डेवलप्ड इसीलिए है, अल्प विकसित इसीलिए क्योंकि ये सब है उसमें, प्रौद्योगिक पिछड़ापन है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं है, बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, निर्धनता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे के सारे होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक ऐसा सिद्धांत जो विकसित देशों द्वारा योजनाबद्ध रूप से स्वयं के लाभ के लिए प्रोत्साहित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपको स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि विकसित देशों द्वारा योजनाबद्ध रूप से खुद का लाभ कमा रहा है और तभी वो डेवलप हो पाएगा, ऐसा वो कोशिश कर रहा है। तो ऐसी थ्योरी क्या है, इस तरीके से ये कुछ स्टेटमेंट कह रहा है, तो निर्भर हो रहा है ना, तो निर्भरता का सिद्धांत है। ठीक है, वो पूरी तरह विकसित देशों पर निर्भर है। ठीक है, यह है निर्भरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परंपरागत तरीकों से उत्पादन करना अल्प विकास का प्रमुख कारण है, ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए बीए में, लेकिन वॉर है आंसर, और यहाँ से आपको अल्प विकास का एक रीज़न पता चल रहा है कि वो लोग ट्रेडिशनल तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर है या इस तरीके की कोई भी चीज़ें हैं, तो उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो वो कैसे वही पुराने तरीके से चीज़ों को प्रोडक्शन करेंगे, पुरानी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्शन बहुत कम होगा, इस तरीके से उनका विकास रुका रहेगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ जो है रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अल्प विकास होता है किसी भी देश का। सेवन्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व बाजार व्यवस्था साम्राज्यवादी शोषण की वह व्यवस्था है जो अल्प विकसित देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को बढ़ाती है। जो आपकी विश्व बाजार व्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है, ये एक शोषण की व्यवस्था होती है, इतना याद रखो। ठीक है, ये जो विश्व बाजार की व्यवस्था होती है इससे क्या होता है, अल्प विकसित देशों का शोषण होता है, और ये जो अल्प विकसित देश है ना, इसकी वजह से हमेशा विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है,
कैसे निर्भरता बढ़ाती है कि जो अल्पविकसित देश होते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह तो होती नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास रॉ मटेरियल बहुत सारा होता है और जितना भी होता है वो लोग अपने अपने मतलब लाइफ के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते हैं, विश्व बाज़ार व्यवस्था है ना, मतलब जो इसमें क्या होता है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सब जुड़ी हुई होती हैं, तो वो सब इनका रॉ मटेरियल ख़रीद लेती हैं और इनके ही रॉ मटेरियल से अपना फाइन प्रोडक्ट बना करके इनको ही बेचती हैं, फिर यही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनसे फिर कर्ज लेते हैं और इस तरीके से डिपेंडेंसी बनी रहती है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये विश्लेषण किसने किया है आपका? सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है लेनिन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेनिन आंसर है इसका, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी है? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से रिलेट करते हैं फ्रैंक। ठीक है, होल्ड ऑन, इसमें फ्रैंक आंसर दिया हुआ है बट विश्व व्यवस्था का सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी है? आई थिंक इसके ऑप्शंस गलत हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए कि आंद्रे गुंदर फ्रैंक को उस पहले विचारक के रूप में मान्यता दी जाती है जिन्होंने वैश्विक पूंजीवाद से संबंधित विश्व व्यवस्था को प्रतिपादित करके उन आर्थिक प्रेरणाओं और दशाओं का व्यवस्थित रूप से उल्लेख किया जो अल्प विकसित देशों पर विकसित देशों के प्रभुत्व को स्पष्ट करती हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर आंसर है कि इसका आंसर आंद्रे गुंदर फ्रैंक है। ठीक है, ए जी फ्रैंक। इसके अलावा इन्होंने केंद्र परिधि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, केंद्र परिधि का सिद्धांत, सेंट्रल पेरिफेरी, थ्योरी ऑफ सेंट्रल पेरिफेरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको अच्छे से पता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा परिधि के बीच होने वाले व्यापार का परिणाम अल्प विकसित देशों का आर्थिक शोषण है, ये किसका मानना है? तो एजी फ्रैंक का। केंद्र परिधि का सिद्धांत भी एजी फ्रैंक ने दिया है और केंद्र और परिधि के बीच में व्यापार की बात कौन करते हैं? एजी फ्रैंक करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, किसी देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण अधिकांशतः धर्म के आचारों से प्रभावित होता है, ये किसका कथन है? देखिए, इसमें क्या बात हो रही है, कैपिटलिज्म की बात हो रही है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और धर्म के आचारों की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको अगर एक किताब का नाम याद आ रहा हो, द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, याद आया, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, किताब में मैक्स वेबर ने यही बताया है कि पूरी तरह धर्म पर निर्भर होता है किसी भी देश का विकास। अगर धर्म विकसित मूल्यों को बता रहा है तो वो देश भी विकसित हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा धर्म पर आधारित होता है किसी भी देश का डेवलपमेंट। तो इस तरह की बातें प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नाम की किताब में मैक्स वेबर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने दोहरी अर्थव्यवस्था को अल्प विकास का एक कारण माना? तो देखिए, ये जो दोहरी अर्थव्यवस्था या ड्यूअल इकोनॉमी है ना, इसमें आपके गुन्नार मिल्डर का नाम आता है। ठीक है, दोहरी अर्थव्यवस्था या ड्यूअल इकोनॉमी, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, कि अल्प विकास का मेन रीज़न दोहरी अर्थव्यवस्था को माना है गुन्नार मिल्डर ने। उनके हिसाब से जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद विकसित देश अपनी पूंजी का विनियोजन पिछड़े देशों में करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य वहां के कच्चे माल को खरीदकर उसके द्वारा पूर्ण रूप से बनी वस्तुओं यानी कि फिनिश्ड गुड्स या फाइन प्रोडक्ट्स का
उन्हीं देशों में दोबारा से निर्यात करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। दूसरी ओर जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ के कच्चे माल का निर्यात करने से, मतलब वो लोग जो अपना रॉ मटेरियल है वो अपना बाहर भेज देते हैं, निर्यात कर देते हैं, तो उससे जो पूंजी प्राप्त होती है उनको, किसको, अल्प विकसित देशों को, वो लोग उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ खेती में ही कर पाते हैं या छोटे छोटे उद्योग धंधों में ही कर पाते हैं। इससे क्या होता है, दोहरी अर्थव्यवस्था के कारण धीरे धीरे अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर विदेशी फर्मों का एकाधिकार बढ़ने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धन देशों में अल्प विकास किस दशा का परिणाम है, किस वजह से निर्धन देशों में अल्प विकास होता है, प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त मूल्य, पूंजीवादी व्यवस्था या वर्ग संघर्ष। तो देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से अल्प विकसित देश बनते हैं। ठीक है, मतलब जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, वहाँ से जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो लोग वहाँ से, जैसे कि अभी आपने इनका सुना ना, तो वहाँ से वो लोग बस अपना लाभ कमाते रहते हैं और जितना ज़्यादा वो लोग अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं यही कोशिश करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, निर्धन देश अल्प विकसित ही रह जाते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी व्यवस्था होगा इसका आंसर। फ्रैंक निम्नलिखित में से किस विचारक के दृष्टिकोण से प्रभावित थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉल बैरो। ठीक है, जो आपके पॉल बैरो हैं ये तीसरी दुनिया के देशों के अल्प विकास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तीसरी दुनिया के अल्प विकास की बात करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया के चार आयामों में से कौन सा एक नहीं है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, तो उसके चार आयाम कौन कौन से हैं, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसकी वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसके अलावा औद्योगिक विकास के थ्रू, और सांस्कृतिक विकास, और राष्ट्र राज्य व्यवस्था। तो जो आपके वैश्वीकरण के चार आयाम हैं उसमें से सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं, इसको लर्न कर लीजिए, ये गिडेंस के अकॉर्डिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विकसित देशों को मेट्रोपोलिस तथा अल्प विकसित देशों को सैटेलाइट शब्दों से या उपग्रह शब्दों से संबोधित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है एजी फ्रैंक। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असमान विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, अनइवन डेवलपमेंट किसने दी है, तो ये आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, समीर अमीन। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, 18th क्वेश्चन है आपका, द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट लेख किसने लिखा है। तो ये जो लेख है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये एजी फ्रैंक ने ही लिखा है, और इसमें किसका एग्जाम्पल लिया है, ब्राज़ील का एग्जाम्पल लिया है, और इसमें कहा है कि यहाँ जब तक लोगों ने स्वयं अपनी आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुसार उत्पादन करना आरंभ नहीं किया तब तक उस देश की दशा में सुधार नहीं हो सका। ठीक है, विकसित देशों पर अल्प विकसित देशों की निर्भरता केवल तभी समाप्त हो सकती है जब वे अपने आप को विकसित देशों के आर्थिक शोषण से मुक्त करने योग्य बन सके। कहने का मतलब है कि जो अल्प विकसित देश है ना, वो अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करें अपने यहाँ खुद से प्रोडक्शन करके। जब तक वो दूसरों पर निर्भर रहेंगे, विकसित देशों पर, तब तक उनका विकास होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी ये वीडियो, समझ में आई कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइए, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे।